आज हम ब्राउन पेपर पर अम्ब्रेला कट हाई लो कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। हाई लो कुर्ती की हम मेजरमेंट फुल लेंथ 46 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, बॉडी लेंथ 16 इंच। इसी नाप के अनुसार हम अम्ब्रेला कट हाई लो कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ 46 इंच माइनस 16 इंच इजिकल टू 30 इंच। बॉडी लेंथ प्लस सीम अलाउंस 16 इंच प्लस 1 इंच 17 इंच। घेरे की लेंथ में हमें प्लस करना है सीम अलाउंस और टर्निंग 30 प्लस हाफ प्लस 1.5 32 इंच। घेरे की जो हमारी लेंथ निकली वो 32 इंच। अक्रॉस बैक का हाफ हमारा 7 इंच। आर्म होल के लिए अक्रॉस बैक हाफ प्लस हाफ इंच 7.5 इंच। चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच इजिकल टू 11 इंच। 36 चेस्ट है हमारी, 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच प्लस 2 11 इंच। वेस्ट 32 इंच, वेस्ट को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच प्लस 2 इंच इजिकल टू 10 इंच। अब हमारी यहां पर जो घेरा होगा कुर्ती का वो हमारा कम ज्यादा होगा। हमारा जो बैक का घेरा होगा वो हमारा यहाँ 32 इंच होगा। फ्रंट का हम यहाँ पर कम कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, जितना भी हम करना चाहे 6 इंच 5 इंच 4 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच माइनस किया, फ्रंट का घेरा आया हमारा 26 इंच। 32 इंच हमारा बैक के लिए और 26 हमारा फ्रंट के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बॉडी का निशान लगाएंगे। ये जो ब्राउन पेपर लिया है इस प्रकार से फोल्ड किया, ये हमारी फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। फोल्ड साइड की तरफ हमने यहाँ यहां से यहां तक 17 इंच लंबाई रखी। फुल लेंथ बॉडी की लंबाई का निशान लगाने के बाद फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ हम यहाँ 7 इंच पर निशान लगाएंगे तीरे का, एक्रोस बैक का। और यहां पर ये आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। चेस्ट का निशान हमारा 11 पर, कमर का 10 पर। ये चेस्ट के निशान को वेस्ट के निशान से हम ऐसे मिला देंगे। यहां पर हमारा 11 इंच, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इजिकल टू 10 इंच। अक्रॉस बैक 7 इंच, आर्म होल 7.5 इंच। फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ हम निशान लगाएंगे 2.5 पर, 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का। लंबाई के लिए हम यहां पर 6.5 अगर हम तैयार करेंगे गले की लंबाई तो 7 इंच पर हम कटिंग करेंगे, और 6 करेंगे तो 6.5 पर। हमने यहां लंबाई का निशान लगाना है। कोई भी शेप दे सकते हैं हम अपने गले को बनाने के लिए। ये हमारा फ्रंट, बैक में आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा करना है ज्यादा लेंथ ले सकते हैं, कम करना है कम लेंथ ले सकते हैं। चौड़ाई दोनों की ही बराबर होगी, फ्रंट और बैक पीस की। अब हमने यहां 1/2 इंच डाउन करना है तीरे को, जहां गले की चौड़ाई का निशान लगाया 2.5 इंच पर, 1/2 इंच का जो डाउन किया उस तीरे से हम मिला देंगे। आर्म होल की जो रेखा है इसका हाफ करेंगे, 1/2 इंच अंदर आएंगे। स्केल की सहायता से आप ये सीधी लाइन लगाएंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद आप आर्म होल की शेप करेंगे, ये चेस्ट लाइन को ला करके मिलाएंगे। बैक आर्म होल की शेप के लिए भी हम ये जो निशान लगाए इसी निशान से हम उठाएंगे और ये शेप कर देंगे। ये हमारे बॉडी लेंथ के सभी निशान लग चुके हैं। अब हम घेरे के लिए अम्ब्रेला कट हमें कैसे बनाना होता है ये देखिए। मैंने पहले ही ये ब्राउन पेपर लिया हुआ है, ब्राउन पेपर को ऐसे फोल्ड किया और फिर इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। ये लंबाई का निशान होगा और ये हमारे चौड़ाई का निशान होगा। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से हमारा जहां भी 10 इंच है हमारा यहां पर, इस तरीके से हमने ये निशान लगाया 10 इंच जहां भी आया।
अब यहां से यहां तक हमने लंबाई का निशान लगाना है। ये देखिए हमारी लंबाई जो बैक पीस में हमारी 32 इंच, फ्रंट में 26 इंच। अब हमें यहां इंची टेप को रखना होता है सही निशान लगाने के लिए। यहां पर इंची टेप रखेंगे और इंची टेप को ऐसे जितनी भी आपकी लंबाई का निशान है हम इस तरीके से घुमाते हुए इंची टेप को निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो यहां पर हमारी जो फ्रंट की लंबाई है और बैक की लंबाई है उनके हम यहां इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए ये वाला जो निशान है हमारा यहां से यहां तक, ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। बैक का निशान हमने जो लंबाई ली वो 32 इंच और फ्रंट के लिए 26 इंच, और ये जो निशान लगाया हमने कमर का 10 इंच है तो हमने यहाँ 10 इंच पर निशान लगाया। ये जो हम निशान लगाते हैं ये उरेब में आ जाता है, तो हमारा कम ज्यादा थोड़ा सा ले सकते हैं हम यहाँ पर। नो पर भी निशान लगाते हैं तो हमारा कमर सही बैठती है। तो ये हमारे घेरे के निशान लगा लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहां पर कटिंग करने के लिए ये देखिए ये जो कमर का निशान लगाया हमने और ये हमने जो पहला निशान लगाया बैक घेरे की लंबाई का, ये जो आप देख रहे हैं ये जोड़ हमारा सिर्फ बैक पीस में आएगा, फ्रंट में हमारा कोई जोड़ नहीं आएगा। अब जोड़ लगाने के लिए हमें ये जो हमारा बचा हुआ पीस है इसी पीस को उठाना होता है। ये सीधी रेखा देखिए, इस सीधी रेखा को, ये जो हमारा बचा हुआ पीस है इसको आप ऐसे रखिए मिलाते हुए ऐसे, यहां पे ओवरलैपिंग करनी है आपको इसकी, आधा इंच की अगर ओवरलैपिंग होती है तो आधा इंच ओवरलैपिंग के लिए रखेंगे, और ओवरलैपिंग रखने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। यहां पर निशान लगा लीजिए। यहां पर ये इसको मिला करके रखें और ये निशान लगा ले। ये निशान लगा करके हम ये जो निशान लगाया इसी निशान पर हम कटिंग करेंगे। ये हमारा जोड़ लग चुका है। अब हमें यहां से पीस को खोलना है अपने घेरे को, और ये हमारा घेरा जो है फ्रंट और बैक हमारा इसमें जॉइन है तो हम इसको कट करेंगे यहां से ये ऐसे। अब ये वाला तो हो गया हमारा बैक पीस, और ये हो गया हमारा यहां पर ये देखिए फ्रंट में हमारा किसी प्रकार का जोड़ नहीं आएगा, सिर्फ हमारे बैक पीस में ही जोड़ आएगा। ये हमारा बैक पीस के लिए ये जोड़ होगा हमारा बैक पीस का, और ये हमारा फ्रंट है। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे। जो हमारे फ्रंट लेंथ की है हमारी 26 इंच फ्रंट पीस की, और बैक के लिए हमारी 32 इंच लेंथ। लेंथ यहां पर कम ज्यादा आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहां पर मैंने 6 इंच किया तो आप भी 6 इंच करें। तो ये तो हमारा घेरा कट चुका है। अब हम यहां पर अपने बॉडी की कटिंग करेंगे। जो भी निशान हमने लगाए हैं उन्हीं निशानों पर हम यहां कटिंग करेंगे। जब आप अपने कपड़े पर कटिंग करेंगे या किसी ब्राउन पेपर पर या न्यूज पेपर पर सीखेंगे तो इन्हीं फार्मूलों के हिसाब से किसी भी नाप का, कोई भी नाप क्यों ना हो, आप हाई लो अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको फार्मूले ध्यान रखने होते हैं। ये अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। बैक पीस के नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहां पर फ्रंट आर्मोल और फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने एक ही पीस कट किया है,
आप जब कट करेंगे तो आपके पास टू पीस हो गए, यानी कि चार लेयर होगी, तो एक पीस को उठा के बाहर निकाल देंगे ये सब कटिंग करके, फ्रंट आर्म होल की और फ्रंट नेक की कटिंग करके, सॉरी बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग करके आप पीस को निकाल देंगे। फिर फ्रंट के लिए आप अपने पीस को फ्रंट को रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की ये यहां पर कटिंग करेंगे, ये फ्रंट नेक की हो गई। ये देखिए ये फ्रंट पीस और ये बैक पीस, ये फ्रंट घेरा और ये हमारे हाई लो कुर्ती की अम्ब्रेला घेरा, फ्रंट बैक और बॉडी, ये हमारे अम्ब्रेला कट हाई लो कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई।